हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं आज कृष्णा जी की इस फोटो को पेंसिल सेट आउटलाइन ड्राइंग करना सिखाऊंगा। तो जैसे कि आप लोग रेफरेंस फोटो को देख रहे हो, सेम टू सेम वही ड्राइंग पेज पर अप्लाई करूंगा। तो इस ड्राइंग को मैं क्रिएट करने के लिए आज A4 साइज की पेपर और पेंसिल का ऑफसर के 2B पेंसिल यूज कर रही हूँ। तो इस ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर आर्टफोर्ड किट एप्लीकेशन की यूज़ करूँगा। और आर्टफोर्ड किट एप्लीकेशन में यहाँ पर 2 सेमी छोड़ छोड़ के यहाँ पर फिर मैं 14 सेमी तक ग्रिड्स मार्क कर रहे हूँ, जैसे कि आप लोग रेफरेंस फोटो में देख पा रहे हो। ठीक वैसे ही हम ड्राइंग पेज पर अप्लाई करेंगे और सेम टू सेम दूसरी साइड पर भी ठीक वैसे ही 2 सेमी छोड़ छोड़ के यहाँ पर 18 तक ग्रिड्स मार्क कर रही हूँ। ऐसे ही आप लोगों को सेम टू सेम और 2 साइड पर भी अप्लाई कर लेना होगा। तो देखो मैं किस तरफ से करता हूँ, सेम टू सेम इस साइड पर भी 2 सेमी छोड़ छोड़ के यहाँ पर 18 सेमी तक ग्रिड्स मार्क कर लेना होगा और सेम टू सेम इस साइड पर भी 14 सेमी तक ग्रिड्स मार्क कर लेना होगा। हो गया। और ऊपर में और नीचे में जो ग्रिड्स मार्क किया हूँ आप वो सेम टू सेम एक के बाद एक मिलाते जाना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और ग्रिड्स को सेम टू सेम सीधी तरफ से टालना होगा, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ देखो। और सेम टू सेम दूसरी साइड पर भी ठीक वैसे ही ग्रिड्स मार्क कर लेना होगा। देखो मैं किस तरफ से करता हूँ और आगे तक फॉलो करूँ, ऐसे एक के बाद एक कर लेना होगा। ओके, कंप्लीट हो गया। आप रेफरेंस फोटो में अच्छे से ऑब्जर्व करके रेफरेंस फोटो में जो 1, 2, 3, 4 करके जो नंबर किया हुआ है वो सेम टू सेम आप ड्राइंग पेज पर अप्लाई कर लेना होगा। यहाँ पर जैसे देख रहे हो 1, 2, 3, 4 करके यहाँ पर 14 तक होगा, वो सेम टू सेम ड्राइंग पेज पर अप्लाई कर लेना होगा। और नीच में भी सेम टू सेम 18 तक ग्रिड्स नंबर मार्क कर लेना होगा। और अब मैं हर फोटो की तरफ जैसे आई की कॉर्नर से ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ ठीक वैसे ही यहाँ पर करूँगा। तो यहाँ पर आई की कॉर्नर जिस नंबर पर आता है, यहाँ पर 7 और 6 नंबर के बीच में आ रहा है, तो सेम टू सेम वही मैं ड्राइंग पेज पर आई की कॉर्नर से ही स्टार्ट करूँगा। तो आप लोगों के भी ठीक वैसे ही फॉलो करते जाना है, जिस बॉक्स पर जो जो आएगा, यहाँ पर आई स्नो सीआर स्लिप जो जिस बॉक्स पर आएगा सेम टू सेम वही ड्राइंग पेज पर अप्लाई कर लेना होगा। तो वैसे ही फॉलो करो मैं किस तरफ से कर रही हूँ, वही एंड तक वॉच कर तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं किस तरफ से कर रही हूँ। और अगर इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला या समझने को मिला तो वीडियो पे एक लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे मिलने के लिए। ओके, तो वीडियो को पूरा एंड तक ही वॉच करो।
फ्रेंड्स, फिलहाल ड्राइंग अब कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक कर सकते हो, चैनल पे नया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे मिलने के लिए। और इसका कलरिंग ड्राइंग आप लोगों को अगले वीडियो पे मिल जाएगा, तो इसके लिए आप और तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो पे, आज के लिए बाय बाय। ओके।